साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 कोरोना वायरस महामारी की वजह से अटकी पड़ी है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इन दोनों मेकर्स इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पूरा करने में जुटे हैं। फिल्म केजीएफ 2 की डबिंग बाकी है जिस कारण मेकर्स इसके रिलीज डेट का ऐलान नहीं कर रहे। कुछ समय पहले सुनने में आया था कि केजीएफ 2 अगस्त या फिर सितंबर के महीने में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेकर्स अपना प्लान बदल चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार केजीएफ 2 के मेकर्स साल 2021 के एंड में अपनी फिल्म को रिलीज करने की सोच रहे। रिपोर्ट्स की माने तो यश और संजय दत्त स्टारर फिल्म केजीएफ 2 क्रिसमस 2021 या फिर न्यू ईयर 2022 में रिलीज हो सकती है। अगर केजीएफ 2 साल 2021 के एंड में रिलीज होती है तो आमिर खान की नींदें उड़ जाएंगी। असल में आमिर खान क्रिसमस 2021 पर अपनी लाल सिंह चड्ढा रिलीज करने की सोच रहे। उनकी ये फिल्म पिछले साल क्रिसमस पर आने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से वो इसे रिलीज नहीं कर पाए। अब आमिर खान की निगाहें क्रिसमस 2021 पर हैं। ऐसे में अगर केजीएफ 2 की नई रिलीज डेट की खबर उनकी चिंता बढ़ा सकती है। केजीएफ 2 का इंतजार केवल साउथ के पब्लिक नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। केजीएफ 2 में संजय दत्त बेहद ही खूंखार अवतार में नजर आएंगे, जिन्हें देखने के लिए दर्शक बेकरार हैं। यश और संजय दत्त के बीच होने वाला जंग एक्शन सीन्स नहीं, जंग दर्शकों ने अभी से ऐतिहासिक बता दिया। अगर केजीएफ 2 और लाल सिंह चड्ढा का क्लैश होता है तो कितनी बड़ी बॉक्स ऑफिस टक्कर होगी। सबकी निगाहें होगी कि बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मारता है। लेकिन उससे पहले सवाल है कि आप किस फिल्म को देखना पसंद करेंगे, किसकी पहले टिकट खरीदेंगे, लाल सिंह चड्ढा की या फिर केजीएफ 2 की? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।